पंजाब के अंदर जो दोआबा का इलाका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा दलितों की जनसंख्या है। यहाँ पर जो 23 विधानसभा सीटें हैं और जो अन्य लोकसभा सीटें हैं, उस पर भी इनका प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर डेरे हैं, डेरा सचखंड बल्ला है, जिसका प्रभाव यहाँ के चुनाव पर रहता है। इसी इसी कारण चुनाव आते ही इन लोगों की जो जो सियासी सियासतदान है, वो इनके पास भी आते हैं और इनकी पूछ भी बढ़ती है। इस वक्त हम जालंधर में ही तलहन नाम के गांव में हैं, जहां पर दलितों की जनसंख्या अच्छी खासी है। हम उन्हीं के बीच आए हैं। हम उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर वो आने वाले चुनाव में वोट डालने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं जस्सी तलहन जी हैं। सबसे पहले सभी को जय गुरुदेव, जय भीम। तो मैं जस्सी तलहन, पंजाब प्रेसिडेंट गुरु रविदास टाइगर फोर्स, जो जो हमारी संस्था है, जो कोई पॉलिटिकल संस्था नहीं है, एक सोशल वर्कर है। क्योंकि हमारे समाज में जहाँ पे रविदासिया समाज या वाल्मीकि समाज, कोई भी अनुयायी जो हमारे तक पहुँचता है, उनको हम सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जो हमारे CM साहब भी बने हैं न्यू, जड़े नवे, बिल्कुल घोषित किया है, वो भी जो गरीबी दायरे से ऊपर उठ के गए। क्योंकि अब 70 साल से ऊपर हो गया हमारी आज़ादी को, पर अब कभी किसी पार्टी ने भी हमारे समाज को ऊपर नहीं उठाया, किसी ने भी किसी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। पर पहली इतिहास में हुआ इतने सालों बाद कि भी हमारे समुदाय का जो गरीब वर्कर, क्योंकि जो लीडर होते हैं वो आते हैं अमीरों से, उनको कोई नहीं पता भी गरीबों के क्या दुख दर्द हैं, क्या उनको काम है। क्योंकि गरीब तो वही समझ सकता जो गरीबी को समझे। तो इतने सालों बाद जो पहली बार बना है, हमें खुशी है, सभी समाज में खुशी है। कांग्रेस पार्टी ने सीएम चन्नी को, पहले तो कैप्टन को हटाने के बाद जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो सीएम बनाया, उसके बाद उन्होंने अपना सीएम फेस भी घोषित कर दिया है। तो अब जब सीएम चन्नी जो है वो फिर से मैदान में है और बतौर सीएम कैंडिडेट उनको कांग्रेस ने उतारा है, तो अब कितना जोर आपका समाज लगाने की कितना जोर लगाएगा, क्या क्या चाहते हैं वो फिर से सीएम बन के आए? मैंने तो कहा भी 70 साल से आज़ादी के बाद पहली बार किसी पार्टी ने घोषित किया। क्यों सभी इस पार्टी कहते हैं, अभी हम जो जो समाज है हमारा, क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है पढ़ लिख गया है, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी को मानता है, उनको पता चल गया वोट बैंक क्या है। पहले तो होता था, अभी कोई लीडर आता था कह रहा कोई बात नहीं, जो समाज है हमारा रविदासिया समाज, वाल्मीकि समाज भी पैसे के ताकत पे खरीद लेंगे। पर हमारा समाज अब बिकता नहीं है, ना खरीद हो सकता है, पढ़े लिखे लोग हो गए, क्या चाहिए, सभी के पास पैसे हैं, काम है, सभी कुछ है, तो कोई बिकने के लिए क्या नहीं। हम सबको पता है अभी क्या धारें लगती है, कैसे करना है, कैसे DGP से बात करनी है, कैसे बड़ो अफसर करनी है। आज हम वो मुकाम पे पहुंच गए जहां पे हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए सारी पार्टियां अब जोर लगा रही हैं, अभी ये जो वोट बैंक है उसके पीछे। मैं ये जानना चाहूंगा कि डेरे का चुनाव पे प्रभाव होता है क्या, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो अपने फॉलोअर्स को बोलते हैं कि किस पार्टी को वोट देना है किसे नहीं देना, क्या ऐसा कुछ होता है? ये जो डेरा है, जो संत सरबनदास जी, पिपल दास महाराज जी, जो सभी जो जो महापुरुष हैं, इनकी जो शक्ति है, ताकत है, ताकत क्यों है कि उनमें जो जाता है वो उनके जो आशीर्वाद मिलता है, हमारी आस्था है। इतनी फॉलोवर हो गए हैं दुनिया में सारे हैं, तो सभी कोशिश करते हैं अभी वहाँ जाके आशीर्वाद लेके वोट मांग ले, पर ले ऐसी कोई बात नहीं होती। महाराज जी तो सिर्फ नामदान देते हैं, संगत को जोड़ते हैं, अपने घर में प्रचार करो। देखो बाबा साहब को मानने लोग हैं, वो समझदार हैं भी किस पार्टी को वोट पाना है, किसी को नहीं पाना है। क्योंकि बाबा साहब तो सीधा कहते हैं, जो वोट बैंक है वो आपके लिए चाबी है, चाबी क्या है, ताकत है। अगर अपना वोट बैंक मैं कहना आप नहीं समझे तो कब समझेंगे। मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके समाज के, क्योंकि हर समाज की अपनी परेशानियां हैं, हर समाज जो है उसके कुछ ना कुछ तो इश्यूज हैं ही, देखो चाहे वो हम रोजगार का हो, चाहे वो पॉलिटिकली जो उनकी रिप्रेजेंटेशन का हो, ये तो मुद्दे हैं ही। जी हाँ, आपने जो मतलब कहा है बहुत अच्छी बात की है कि जो ये समाज है हमारा, ये पहले से पछड़ा हुआ है, गरीब है, तो इन्होंने उसी के हिसाब से सोचना है। अगर आप गुरु ग्रंथ साहब की बाणी को देखें तो उसमें भी जैसे जैसे उन्होंने दिक्कतों का सामना किया है तो वैसी वैसी वाणी मतलब दर्ज है उसमें। तो ये हम भी कहते हैं कि ठीक है, हम गरीब हैं, जब से भारत आजाद हुआ है हमें बाबा जी ने, जो डॉक्टर अम्बेडकर जी, उन्होंने मतलब हमें जो बहुत फैसिलिटीज दी हैं, पर वो पूरी अभी मिली नहीं है इस समाज को। अगर वो मिलती तो ये समाज जो है वो बहुत आगे चले जाना था, ठीक है जी। और ये मैं जरूर कहूँगा कि जो जैसे हमारे लोगों को मतलब पढ़ना लिखना चाहिए, पढ़ने लिखने की फैसिलिटी जो है वो मतलब मिलनी चाहिए, जो बच्चे आगे जाते हैं उनको ये जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए बड़े कोर्सों के लिए। जो हेल्थ की बात है वो इस वक्त आप कोरोना के काल में देखें तो बहुत ज़्यादा खुल के सामने आई है,
भाई जो कहते हैं ना भाई वो बड़े लोग हैं वो तो अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीबर कहाँ जाए। तो ये जो हेल्थ का जो पूरा सिस्टम है वो सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए भाई, उसमें जो है वो गरीबों को भी और अमीरों को भी एक जैसी फैसिलिटी होनी चाहिए। आप अपना नाम बताएं और बताएं कि आप जब अभी वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के वोट डालेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या दिमाग में आपके चल रहा है, क्या माहौल है यहाँ पे, अब ये भी बताएं हमें। जो अभी माहौल चल रहा है उस हिसाब से जो वोटिंग है तो वो तकरीबन सब अपना अपना माइंड बना चुके हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो भी माहौल चल रहा है कि हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, अगर मैं वैसे एक छोटी सी कैलकुलेशन लगाऊं कि 2000 रुपये पर मंथ किसी पार्टी ने बोला है कि हम दे देंगे जी, कोई बोल रहा है जी 1000 पर मंथ हम लेडीज़ को दे देंगे, तो उसकी कैलकुलेशन तो किसी ने लगाई नहीं। वो इतनी अगर कैलकुलेशन लगाएंगे वो 2 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ कहाँ से आएगा, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही हमारे जो वोटर्स को हैं वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। दूसरी बात है आटा दाल स्कीम, आटा दाल स्कीम मेरे को एक चन्नी जी की बात बहुत बढ़िया लगी कि अगर आटा और दाल से ही काम चलता है तो हम वो सुखबीर बादल जी के घर पे भेज दिया करेंगे, ठीक है। तो वो बात मेरे को काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। तो जो भी पार्टी यहाँ पे हमारा एजुकेशन का देखेगी कि एजुकेशन बढ़िया हो, हेल्थ सिस्टम बढ़िया हो, तो उस पार्टी को वोट करेंगे। बाकी फ्री में तो ऐसे तो ये कोई बात नहीं हुई ना, ये भी फ्री दे देंगे वो फ्री दे देंगे, कोई भिखारी थोड़ी होता है। सबको काम पे लगाना चाहिए, सबको जिसका जो भी लेवल है उसको रोजगार मिलना चाहिए। भैया यहाँ के समाज में अभी जो अभी तक हमने जो बात की है उसमें एक तो उन्होंने स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया है, रोजगार का मुद्दा उठाया है, सबसे ज्यादा उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि शिक्षा मिलनी चाहिए हमें, उसके बाद अगर सभी शिक्षित हो जाएंगे तो उसके बाद सभी को काम भी मिलेगा और वो आगे भी बढ़ेंगे। एक बहुत प्रचलित कहावत भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये भी कहा जाता है। तो जस्सी जी ये बताइए कि जो आप क्योंकि एक संगठन चलाते हैं उसके अध्यक्ष भी हैं, आपसे युवा भी जुड़ते होंगे, युवाओं के बीच कैसे मुद्दे हैं वो रोजगार का, शिक्षा का, क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही हैं ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके बाद तैयारियां करते हैं, जॉब्स नहीं मिलती, कैसी परेशानियां आती हैं आपके सामने? जैसे हम तो पूरे पंजाब में जाते हैं, हर एक जिले में जाने का मिलता है क्योंकि किसी ना किसी पे अत्याचार होते रहते हैं। हमारे जो समाज की बेटियां हैं छोटी उसके बलात्कार होते हैं, कभी हमारे गुरुद्वारा बेअदबी होती है। आज भी आज फोन आए जो हमारे गुरु रविदास महाराज के जहाँ पे फ्लैक्स थी वो पाड़ी, ऐसी घटना जो होती है उससे जो पंजाब के हर कोने में जाने का मौका। यूथ जो हमारे साथ तां जुड़ता है, अभी हम तो एक तो पॉलिटिकल नहीं है संस्था हमारी, दूसरा ये है अभी सभी पूछते हैं अभी जैसे कारपोरेशन है वहाँ पे मुलाजम पक्के नहीं करते, कच्चे रह जाते हैं, कोई टीचर बन कोई जैसे जो BCS की किसी ने MES की MS की है MSc पढ़ी है, जो बड़े BA BEd है उसके सोर्स ऑफ क्या है, कोई भी नहीं। जो प्राइवेट एजुकेशन है जहाँ पे जहाँ जॉब मिलती है उस पर या फीस तनख्वाह कम होती है, इनकम कम है, जो सरकार है लारा लगा देती है भी इतनी नौकरी निकालेंगी कोई भी आ जाए, पर उसके इंप्लीमेंट नहीं करती। जैसे आप पिछली बारी पटवारी की नौकरी निकाली, वो पेपर रद्द हो गए, पैसे जमा हो गए, सभी ने 500-500 रुपये दे दिए, पता नहीं कितने करोड़ रुपये जमा कर लिए। फिर इन्होंने पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर की हैं जॉब निकाली, वो पेपर लीक हो गया, वो पेपर खराब हो गए, ऐसे ही इंस्पेक्टर की है ASI की निकलती रहती है। पर जो मैं चाहता हूँ भी पारदर्शी काम होना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा भी ऑन मेरिट देंगे, पर ऑन मेरिट किसी को जॉब मिलती नहीं है, जो सिफारसी होता है वो जॉब ले जाता है। वो ऐसे चाहिए भी, हमें चाहिए भी ऐसे लीडर आगे बढ़े। जैसे चन्नी साहब है, गरीबी की बात तो जरूर करते हैं पर जो ऊपरली बॉडी है उनको काम नहीं करने देती, बाद में हो जाता है भी यार जो साथ में जुड़ते हैं जो ऊपरी लॉबी के लोग हैं वो हमें काम नहीं करने देते। देखो अगर CM बनाएगा पूरी पावर चाहिए, फुल पावर चाहिए, जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, अगर कोई रोकेगा तो इसका मतलब जो वो CM नहीं है। तो ऐसा लीडर चाहिए जो बना ही दिया तो सॉलिड होना चाहिए, जैसे जो कह दिया उसको पूर्ति कर दी। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि आप श्योर नहीं है कि चन्नी साहब रहेंगे नहीं रहेंगे, अभी भी ऐसे चांसेस हैं? देखो मैं कहता हूँ भी इतने साल हो गए हमारे समाज को दबाने लग लोड़, अभी भी दूसरे चाहते हैं अभी मैं CM बनूँ, अगर मैं पंजाब प्रधान हूँ तो मैं भी चाहता हूँ मुझे टिकट मिलनी चाहिए। ये जो मैं है मैं नहीं खत्म होती, जो दूसरे कास्ट के आप सिद्धू का जिक्र करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं सिद्धू भी देख लो भी हमारे समाज को पिछले रिव्यू ने जैसे भगवंत मान जी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी तो नकोदर में जो देहाती एरिया पड़ता है वहाँ मैं SSP को कहा, IG को कहा, DGP को मैंने लेटर डाला, उन्होंने अपने गलों से हार डाल के बाबा साहब अम्बेडकर जी को डाले, वो बेअदबी की कोई पर्चा नहीं हुआ,
क्यों नहीं होता है, ऐसे लीडर थोड़ी जाना है। पर लोग नहीं बोलते, हम बोलेंगे। हम तो गुरुदास टैगोर बोस भी हर मुद्दे बोलते हैं। और सिद्धू ने देखो सिख धर्म का अपमान किया है, सिर से उसने पग उतार के एक जनेऊ पा के पाठ पूजा कर रहा था, वो सिक्खी सिद्धांतों के उल्टा है। किसी ने एक्शन लिया, पर हमने काल तक तो चिट्ठी डाली है, हमने सभी बोला है, मीडिया पे भी बोला है। तो ऐसे लीडर चाहिए जो जात पात, जो कहते भी एक जात पे है, जात पे आधारित के नहीं, जो समाज की बात करे, जो आने वाली पीढ़ी है उसकी बात करे। यहाँ पे कुछ युवा खड़े हैं, इनसे हम जरा जान लें कि भाई क्या माहौल है। आप इधर आए, जरा आपका नाम बताएं। हैरी जस्सी। हैरी जस्सी, ये बताओ कि वोट डालोगे इस बार 20 तारीख को? हाँ जी। किसे दोगे वोट? देखेंगे जी, अभी तय नहीं किया, अभी दो तीन दिन बचे, अभी तक तय नहीं किया। नहीं नहीं सर। ठीक है, तो मोबाइल पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या दोस्त यार सब क्या बातें कर रहे हैं, किसे सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट तो सारे कांडे है, किसी को किसी को कांडे है, किसी को कांडे है। तो दोस्त भी कंफ्यूज है अभी कि किसी को वोट डालना ही नहीं पता। घर में क्या माहौल, घर मतलब घर वाले क्या बोल रहे हैं, घर वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा तो जो वैसे बीजेपी को है, दूसरे अपने क्या कह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का हमारा बीएसपी। हाँ, बीएसपी। मतलब यहाँ पे मैं इस मतलब ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग इसलिए है क्योंकि जब भी हम दलितों की बात करते हैं, दलित वोट बैंक की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बीएसपी का ख्याल आता है। लेकिन शायद पंजाब का ये इलाका शायद अपने आप में अनोखा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर लोग सब कांग्रेस की बात कर रहे हैं, या शायद ये ऐसा इसलिए भी हो कि चन्नी जो है मुख्यमंत्री, उनको दोबारा से सीएम फेस घोषित किया गया है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे यहीं पे जो लोग खड़े हैं। आप हमें ये बताइए कि कांग्रेस ही क्यों, मतलब बीएसपी क्यों नहीं? पहले सर हम डालते थे, लेकिन क्यों यहाँ पे यूपी में मायावती एनी प्रॉब्लम, पहले इतना गज कर बोलती थी भी हम ऐसे करेंगे वो करेंगे, अब बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। जैसे मान लो वो जो पंजाब के थे हमारे, जो सरदार जी मारे वहाँ पे, बिल्कुल नहीं गए वो और यहाँ से पंजाब से चन्नी साहब, प्रियंका जी सभी गए। और उसके बाद जैसे मान के चलो, जैसे केजरीवाल है, कह रहे आम पार्टी आम पार्टी, मानता हूँ मैं, ठीक है बढ़िया है, जो दिल्ली में चल रहा है पता है। उनकी बाजीगर काउंट क्यों हुई थी, वो एक लड़की के साथ रेप हुआ था, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, क्यों? वो किसी की लड़की नहीं थी, ये बताइए मेरे को, लोगों को पता ही नहीं है? कहीं को पता ही नहीं है इस बात का। किसके पास मान के चलो, वैसे मान के चलो मेरे पास नॉर्मल मोबाइल है, किसके मोबाइल में व्हाट्सअप चलता है, व्हाट्सअप चलता है, उनको तो पता चलता है, हम देखते हैं सुनते हैं डेली, हमें पता चला है भी ऐसे हो रहा है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, आप आओ ऐसे करो। एक वो उनके पार्टी का एमएलए था, पता नहीं क्या नाम था उनका, सॉरी मेरे को इतना पता नहीं था, जिसने जो रेप किया था लड़की जी, एक मुद्दा उठा था, उसके बाद ये खबरें आई थी कि केजरीवाल ने ये दबाव बनाया था कि भैया आप इस मामले को ज्यादा उजागर ना करें। मतलब मेरा सवाल बीएसपी को लेकर के था, आपने कहा कि बीएसपी की जो मायावती जो नेता है वो एक्टिव नहीं है। बिल्कुल वो एक्टिव नहीं है, इसीलिए आप उन्हें वोट नहीं देते हैं। अच्छा, मोदी जी को लेकर यहाँ पे लोगों की क्या राय, आप बताएं, मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? मोदी जी ठीक है, पर साडे पंजाब ली दा को कीता नहीं, वो तो उनको मौका मिलेगा, मोदी जी को तो वो भी करेंगे। मौके किन्ने के दे दिए हुण, सारियां सरकारां दे सारे चोर आ इह, आप कह रहे हैं सब चोर है, कांग्रेस भी? सब कांग्रेस भी बिच्चे यहाँ पे, तो सारे जितने मुझे मिले हैं सब ज्यादातर कांग्रेस को कह रहे हैं कि जिन्होंने मर्जी यही किसी ने भी नहीं वोट पानी, की दिंदे आ इह वोट पवा के साडे को। तो आपने कभी वोटिंग की है, वोट तो डाला होगा कभी? डाल दी है, 40 साल की उम्र हो गई, वोटा डाल दी। किसे देते हैं आप, किसे वोट देते हैं, कौन सी पार्टी? पार्टियां सारी ठीक ठाक ही है। अभी आपने कहा कि सब चोर है, आप कह रहे सब ठीक है, आप वोट किसको देते हैं? वोट जिन्होंने दिल करूंगा उधर पा देंगे। अच्छा, अभी वोट है 20 तारीख को, आप जाएंगे वोट डालने? जावांगे। किसे देंगे आप वोट, क्या सोच के आप वोट डालेंगे, आपके क्या मुद्दे हैं? जेड़ा विकास करूंगा पा देंगे वोट, देखेंगे। विकास की बात तो सबसे ज्यादा मोदी जी करते हैं। मोदी जी ने कहा विकास किया, लॉकडाउन लाता, लोगों को भुखे मारता। जलंधर में यहाँ पर अभी हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे काम धंधे रोजगार लोकल बिजनेस इन सब की क्या हालत है? हाल तो साडे सामने ही है, सारे बेरोजगार बंदे तुरे फिरदे, सारे बेरोजगार आ, साडे पिंड का कोई भी नहीं विकास होया, जाके चारे पासे दिलों सड़कां टुटियां,